हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम नरेट करेंगे द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 3। तो चलिए जल्दी से एपिसोड को स्टार्ट करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि ऑल द डीमनिंग कल्ट में बहुत सारे क्लांस और फैमिलीज आते हैं, पर उनमें से बस 6 क्लांस ही मेन हैं। स्वॉर्ड क्लान, डार्क क्लान, स्प्रिंग क्लान, पॉइजन क्लान, साउंड क्लान एंड ब्लेड क्लान। और इन सारे क्लांस के जो लॉर्ड है वो एक शपथ में बंधे हुए हैं। उन्हें इन 6 क्लान में से हर क्लान के एक लेडी के साथ शादी करनी पड़ेगी ताकि वो इन क्लांस को उनके उत्तराधिकारी दे पाए। इन सभी बच्चों को उनके रेस्पेक्टिव क्लान में ही बड़ा किया जाएगा। जब वो सभी एक सर्टेन एज तक पहुंच जाएंगे, उनका दाखिला डीमनिंग एकेडमी में कर दिया जाएगा। डीमनिंग एकेडमी, जो कि हर 10 साल में एक बार ही खुलती है, उनके हेड होते हैं लीडिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, जिनका काम होता है जेनरेशन के बेस्ट वॉरियर को चुनना। इसमें एक ऐसा इंटेंस कंपटीशन का पीरियड आता है जब कुछ प्रिंस एकेडमी को ज्वाइन करते हैं, और इसे उत्तराधिकारियों का महासमर कहा जाता है। फिर हमें जीवन को दिखाया जाता है जो कि नैनो से मन में ही बातें कर रहा था। क्या तुम श्योर हो तुमको इविल गॉड नहीं? नैनो कहता है, मैं कोई इविल गॉड नहीं हूँ मास्टर, मैं बस एक मशीन हूँ। जीवन फिर सोचता है, डॉक्टर बाइक पॉइजन क्लान से बिलोंग करते हैं, इसलिए मुझे नैनो मशीन वाली बात छुपा के रखनी पड़ेगी। नैनो कहता है कि सेरा के जो लोग हैं वो सभी मेरे प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर बाइक फिर कहते हैं, ये तो सच है कि उसकी किसी ने तो हेल्प करी है, पर उसके शरीर में कुछ भी गलत नहीं हुआ है, पर मैं फिर भी एक टॉनिक दे रहा हूँ जो कि एनर्जी को रिगेन करने में हेल्प करेगी। जेन कहता है, आपका शुक्रिया डॉक्टर, पर क्या आप अभी जा रहे हैं? चलिए मैं आपको बाहर छोड़कर आता हूँ। डॉक्टर बाइक कहते हैं, नहीं ठीक है, तुम यहाँ पर ही रहकर प्रिंस का ध्यान रखो। डॉक्टर बाइक फिर बाहर आकर सोच रहे थे, ये काफ़ी अजीब है, आखिर एक इंसान एक ही रात में इतना कैसे बदल सकता है। बहुत समय पहले मैं श्योर था उसे निकाल दिया जाएगा उसके कमजोर शरीर और मार्शल आर्ट का जीरो नॉलेज की वजह से, पर अब उसके करंट बॉडी को देखकर मुझे लगता है कि वो सबसे बेहतर मार्शल आर्ट्स को सीख सकता है दूसरे किसी भी प्रिंस से। आफ्टर ऑल वो लॉर्ड का नाजायज बेटा जो है, क्या वो अब तक जानबूझकर ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि उसे कुछ भी नहीं आता? पर अगर लॉर्ड ने सच में उसकी मदद करी होगी तो उसे ये बात एक्नॉलेज करने की कोई ज़रूरत नहीं। जल्दी डीमोनिक एकेडमी शुरू हो जाएगी, पर तब क्या होगा क्या पता। यहाँ पर जियोन सोच रहा था, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पकड़ पाए हैं, पर अगर मैं सोचूं तो मेरे जिंदा रहने का कोई ना कोई तो रीज़न होगा, और थैंक्स टू जेंग जिसने मेरी जान बचाई। इवन तो नैनो ने ही मुझे हील किया है, पर अगर जेंग सही समय पर वहाँ पर नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। जियोन फिर कहता है, जेंग तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। जेंग कहता है, माफ करना प्रिंस, पर मुझे लगता है कि आपको पहले जाकर नहा लेना चाहिए। उसके बाद जियोन जाकर नहाते हुए नैनो को कहता है, हे नैनो, पहले तुमने मुझे कहा था कि तुमने मेरे शरीर को सेल्फ हीलिंग मोड पर डाला था, आखिर ये सेल्फ हीलिंग मोड कितना हील कर सकता है? नैनो कहता है, कोई भी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल चोट जो कि एक्सटर्नल इंपैक्ट की वजह से आई हो वो जल्दी हील हो जाती है, पर ब्लड लॉस और डिकैपिटेशन में ज़्यादा समय लग जाता है क्योंकि उसमें सेल डिविजन करनी पड़ती है। जियोन कहता है, सच में? पर तुम ऐसा बातें क्यों करते जो कि मुझे समझने में मुश्किल होती है? चलो क्यों ना मैं सेल्फ हीलिंग मोड को ट्राई करके देखूं। और वो डैगर से अपना हाथ काट लेता है। नैनो जल्दी से सेल्फ हीलिंग मोड ऑन करता है और देखते देखते हीलिंग शुरू हो जाती है। और ये देख जियोन पूरा हैरान था, इवन तो मैंने ये सब मेरे सामने ही होता हुआ देखा है, पर मुझे फिर भी इसके ऊपर यकीन करने में मुश्किल हो रही है, पर अब मुझे पता है कि ये काम करता है। पर तुमने मेरे दिमाग में जो भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करी है, क्या मैं उसका इस्तेमाल करके सारे फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ? नैनो कहता है, अब हम सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी इंस्ट्रक्शन उसमें दिया गया है। जियोन कहता है, ठीक है, मैं नहाने के बाद उन सभी को ट्राई करूँगा। फिर नहाने के बाद जियोन अपना शरीर देखकर पूरा ही चौंक गया था। नैनो, आखिर ये सब क्या है? आखिर मेरा शरीर अचानक की तो मस्कुलर टोन कैसे हो गया? क्या ये सब करने के पीछे तुम्हारा हाथ है नैनो? तो नैनो कहता है, आपने सही कहा, मैंने आपके शरीर को रिकन्स्ट्रक्ट किया है। ये साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है कि कुछ नहीं से कुछ ही बना देना, पर किसी भी एग्जिस्टिंग बॉडी पार्ट को रिकन्स्ट्रक्ट करना कोई भी मुश्किल बात नहीं। जियोन कहता है, तुम जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हारे बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने जो भी सीखा है वो सब कुछ यूजलेस है। हे नैनो, ये रही मेरी किताबें, मैं इन्हें ही पढ़ता हूँ। चलो मुझे अभी बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। नैनो कहता है, आप एक किताब उठाइए और उसके हर पन्ने को पलटिए। जियोन कहता है, मुझे सिर्फ पन्ने पलटने हैं? मेरे पास बस एक ही किताब है मार्शल आर्ट से रिलेटेड। ये किताब है ब्लड पॉइंट्स और ची के बारे में। इसमें 3GSM के बारे में लिखा गया है, जो कि ब्रीदिंग मेथड है अपने शरीर और दिमाग को ट्रेन करने के लिए। पर अगर तुम इसे अपने पूरी लाइफ में प्रैक्टिस करते रहो तभी इसके लोएस्ट लेवल पर भी पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मुझे ब्लड पॉइंट्स के बारे में पढ़ना चाहिए, यह बेहतर रहेगा। तो चलो मैं पन्ने पलटना शुरू करता हूँ। और जियोन एक एक करके सारे पेजेस पलट देता है नैनो फिर कहता है, मैंने सक्सेसफुली पूरी किताब को स्कैन कर लिया है। मैं आपको इसकी जानकारी भेज रहा हूँ, सब करना।
जियोन कहता है स्कैन तुम्हारा मतलब तुमने सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी करी है। नैनो कहता है आप सही कह रहे हैं, क्या आप जानकारी को एक्सेप्ट करना चाहेंगे? और फिर जियोन जानकारी हासिल करते उसे थोड़ा उल्टी जैसा फील होने लगता है, पर उल्टी नहीं होती। जियोन कहता है अब क्या करना है? नैनो कहता है कि अगर आप उसके नॉलेज को एक्वायर करना चाह रहे हैं तो आपको बस उसके बारे में सोचना होगा। और जियोन सोचते ही किताब में जो भी लिखा हुआ था उसे लाइन बाय लाइन कहने लगता है, और सिर्फ इतना ही नहीं वो जो भी कह रहा था समझ में भी आ रहा था। जियोन इसे काफ़ी इम्प्रेस हो गया था और वो कहता है ये तो नेक्स्ट लेवल चीज़ है, मुझे ये सब बस याद ही नहीं मैंने समझ भी पा रहा हूँ। नैनो कहता है मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर दिया करेक्शन के साथ जो कि इस किताब में थी। जियोन कहता है क्या इसका मतलब इस किताब में भी गलतियाँ थी? तो नैनो कहता है कि मेरे पास जो भी जानकारियाँ हैं मैंने उस हिसाब से करेक्शन की है। जियोन कहता है मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा, क्या इसका मतलब मैं सबसे बेहतर मार्शल आर्ट सीख सकता हूँ? दूसरे सिक्स क्लास के कैंडिडेट्स ने बहुत सी फाइटिंग टेक्निक सीख ली होगी क्योंकि उन्हें बचपन से यही सब सिखाया जा रहा है। मैं तो उन लोगों को देखकर भी 3GSM टेक्निक सीख नहीं पाया। मेरे पास मार्शल आर्ट्स की ज़्यादा किताबें नहीं हैं, पर मैंने सुना है कि डीमोनिक एकेडमी के लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें रखी हैं, पर मेरे पास ये एबिलिटी है और इसकी मदद से मैं एकेडमी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सबसे जल्दी बन जाऊँगा। अब बस मेरा यही गोल है। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि कह रहा था मैंने उन सबको भेजा था लड़के को टपकाने के लिए और वह पांचों ही मारे गए। तुम चाहते हो मैं इस बात पर भरोसा करूं? मुझे लगता है उसकी किसने सीक्रेटली हेल्प की है प्रिंस मुकेम। मुकेम कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की बिना मेरे परमिशन के? मुझे लगा था वो नाजायज़ है तो संभालना आसान होगा। पर लगता है उसके पास कोई सीक्रेट चीज़ है। मैंने उसके गार्ड से छुटकारा पाने की कोशिश करी थी, पर तभी कोई था जो कि उसकी हेल्प कर रहा था। मैं अपने हाथों गंदे करना नहीं चाह रहा था, पर मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं बचा है। मुझे उसे इस डीमोनिक एकेडमी में मानना पड़ेगा। अब बस मुझे उसका डीमोनिक एकेडमी में आने का इंतज़ार है और सारा काम मैं ही यहाँ पर कर दूंगा। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों यह था आज का एपिसोड। कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी, और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर ऐसे एपिसोड्स को मिस करना नहीं चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still